आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स और हमारे साथ अब लोकेश उपल मौजूद है। फटाफट से उनके स्टॉक्स पर कमेंट लेते हैं जो हमने ब्रेक में जाने से पहले डिस्कस किए। लोकेश, गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए, एक तो वेदांता जिसके नंबर्स अभी आने ड्यू है, नंबर से ठीक पहले स्टॉक चल रहा है, और दूसरा ग्लेनमार्क फार्मा जहां पर सेकंड डे है जहां पर वीक अर्निंग्स का इंपैक्ट दिख रहा है। दोनों पर आपकी राय क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। हम वेदांता के चार्ट को स्टडी करते हैं। वी अंडरस्टैंड वेदांता में एक बेस फॉर्मेशन है क्लोज टू लेवल 237, उसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है दैट इज लेवल ऑफ 249। इफ देयर इज सम गुड न्यूज़ इन द स्टॉक, वी विल सी द स्टॉक विल क्रॉस अबव 249, तो यहाँ पे 265 से 270 के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। तो वेदांता कैन बी अ गुड बाय फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं, यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूशन फॉर्मेशन बना हुआ जो साफ साफ इंडिकेट करता है देयर इज सम बैड न्यूज़ इन फिगरिंग विद द स्टॉक एंड द स्टॉक कैन मूव डाउन बिलो द लेवल ऑफ 700। तो अगर कोई यहाँ पे निवेश करने की सलाह रखता भी है तो उससे थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट फॉर द स्टॉक टू फॉर्म अ बॉटम बिलो द लेवल ऑफ 700। तो ग्लेनमार्क फार्मा 700 के भी नीचे जा सकता है, वेदांता को अर्निंग्स सपोर्ट आए तो 270 तक के टारगेट्स यहाँ पर आसानी से देखे जा सकते हैं। क्विकली लोकेश, आरईसी आईओसी दोनों कांस्टेंट परफॉर्मर रहे, डे हाई पर अभी ट्रेड भी कर रहे हैं और खबर भी यहाँ पर पॉजिटिव है कि एमएससीआई इंडेक्स में इन दोनों का स्टॉक्स का इंक्लूजन हो सकता है जिसमें आज रिजिक होगा। क्या व्यू आपका दोनों शेयर्स पर? देखिए दीपाली जी, आरईसी के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी द स्टॉक एज फॉर्म अ बॉटम क्लोज टू लेवल्स ऑफ 214 रुपीज, और कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे इसका राइट शोल्डर फॉर्मेशन ऊपर की तरफ बनता नजर आ रहा है जो इंडिकेट करता है स्टॉक हैज अ हाइट साइड पोटेंशियल टू रिटेस्ट लेवल्स क्लोज टू 230। तो यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन बनती है फॉर लेवल्स ऑफ 230 रुपीज एंड द स्टॉप लॉस कैन बी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 211 रुपए। अगर आईओसी की बात करते हैं, सेम पैटर्न फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि स्टॉक में अच्छा पुलबैक है एंड द स्टॉक कैन मूव अप टू द लेवल्स ऑफ 455। तो यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 455 एंड द स्टॉप लॉस बी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 435 एंड 430 ऑन डाउन। ठीक है, तो आरईसी आईओसी दोनों में पोजीशंस लॉन्ग साइड पर बनाई जा सकती हैं ऐसा लोकेश मानते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस इन्होंने आपके साथ शेयर किए। लोकेश, मेटल से कोई और स्टॉक भी पिक करेंगे क्या, क्योंकि बाइंग तो पूरे मेटल स्पेस में है? देखिए दीपाली जी, यहाँ पे एक अच्छी पिक रहेगी वो रहेगी टाटा स्पॉन्ज की। अगर टाटा स्पॉन्ज के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, 900 रुपए के लेवल्स को रीटेस्ट किया और इसका बेस बनता है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 815-810, और अब इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रही है। टाटा स्पॉन्ज कैन बी गुड बाय फॉर द इन्वेस्टर, जहाँ पे एक 950-1000 रुपए के लेवल्स इसको रखा जा सकता है एंड वन कैन कीप अ वेरी स्टिक स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 4830 एंड 820 ऑन द डाउन साइड। ठीक है, मेटल्स में एक जो पिक है इनकी वो है टाटा स्पॉन्ज, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है लेवल्स पर भी। क्विकली ये बैंकिंग में कोई पिक करेंगे क्या, क्योंकि बड़े प्राइवेट बैंक तो अच्छा मूव दे रहे हैं आज, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक में भी अच्छा बायस है, यहाँ पर है कोई रिकमेंडेशन? देखिए दीपाली जी, अगर आईसीआईसीआई बैंक को स्टडी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो काफी हैवी कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट देखा गया आफ्टर द रिजल्ट, जहाँ पे स्टॉक ने 298-295 के दायरे को मेंटेन किया इन द करंट मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ पे 292-290 का स्टॉप लॉस डाल के इसको बाय किया जा सकता है। तो अपसाइड टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विल बी क्लोज टू 340-350 ऑन द अपसाइड। पोजीशन नजर रखिए, 340-350 के टारगेट्स आईसीआईसी बैंक पर लोकेश दे रहे हैं। फार्मा की बात करते हैं, डॉक्टर रेड्डीज, पिरामल एंटरप्राइजेस, अजंता फार्मा, ल्यूपिन सभी स्टॉक्स में मूव है। स्पेशली आप देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस को, यहाँ पर खबर भी है कि ये कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में एंटर करेगी। इनफैक्ट इस पर आपको एक मैनेजमेंट का व्यू भी सुनवा देते हैं। खास बातचीत हुई मिस्टर अजय पिरामल के साथ, उनकी राय सुनिए। सो इन पिरामल वी आर लुकिंग एट अफोर्डेबल हाउसिंग, एक तो वी आर लुकिंग एट हाउ वी कैन डू हाउसिंग लोन्स टुवर्ड्स दैट। सो टुडे नाउ वी हैव अप्लाइड फॉर द अथॉरिटीज टू गेट अ हाउसिंग लोन लाइसेंस एंड आई होप वी शुड गेट दैट इन जुलाई, दैट विल स्टार्ट। तो पिरामल एंटरप्राइजेस के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में एंटर करने की योजना है, स्टॉक आज 10% ऊपर भी है। पिरामल एंटरप्राइजेस या फिर कोई और स्टॉक फार्मा से जो कि अभी आपको नई पोजीशंस के हिसाब से भी ठीक लग रहा हो लोकेश? देखिए दीपाली जी, स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और पिरामल एंटरप्राइजेस के अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करता हूँ तो 2500 के लेवल्स के बाद इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और कहीं ना कहीं इसके मंथली चार्ट इंडिकेट करते हैं तो बुल रन स्टिल कंटिन्यू। तो 3200-3400 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 2600। ठीक है, थोड़ा सा नजरें बढ़ा रखिए, इन स्तरों पर खरीदा भी जा सकता है ये 3200-3300 के टारगेट्स के लिए। लेकिन अब फटाफट से आपको बता देते हैं आज का ब्रेकआउट स्टॉक, और आज का जो ब्रेकआउट शेयर है वो फार्मा स्पेस से ही पिक किया गया, वो है जेबी केमिकल्स का। इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, कई सारी वजह स्टॉक को पिक करने के पीछे। पहले आपको टेक्निकल्स थोड़े से बता देते हैं। ये स्टॉक में एक अच्छा मूव हमने देखा है, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही चार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां एक ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है, इसलिए बाय करें। 355 का पहला टारगेट है इस स्टॉक में, अभी 347 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 355 पहला टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 340 के लेवल्स पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप अगर स्टॉक के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो वो काफी मजबूत रहे हैं, 74% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले कुछ सेशंस में देखे गए हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं,
रहे हैं और इनफैक्ट हाल ही में कई ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आए हैं जिन्होंने स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। इनफैक्ट एक अभी हाउस की रिपोर्ट भी आई थी जिसने 390 तक के टारगेट्स की बात कही थी जेबी केमिकल्स में। अभी 347 पर ट्रेड कर रहा है लेकिन ये स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है क्योंकि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर रही है, नए लाइन एक्सटेंशन भी बना रही है। 355 का पहला टारगेट इस स्टॉक में रहेगा, आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो रहेगा 340 का। 355 का टारगेट, 340 का स्टॉप लॉस, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ये इन स्तरों से हो सकता है। आपके कमेंट्स क्या हैं जेबी केमिकल्स पर लोकेश? दीपाली जी, हम जेबी केमिकल्स और फार्मा के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा गया है। 355 की डेफिनेटली रेजिस्टेंस है लेकिन वो ब्रेकआउट जैसे ही उसके ऊपर जाएगा आपको 370 से 380 के लेवल ऊपर की तरफ देखते हुए नजर आएंगे। आप 340 का स्टॉप लॉस डाल के पहला टारगेट 355 के लिए इसको बाय कीजिए और जब 355 के ऊपर ये जाना शुरू करे तो अपने स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करके 370 की अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिएगा। तो दो टारगेट्स आपको मिले हैं, पहला टारगेट 355। लोकेश मानते हैं कि अगर ये लेवल्स क्रॉस होंगे तो मजबूती और एक्सटेंड हो सकती है, उस केस में 370-380 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन नजर रखिए स्टॉक पर, ये अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है। अभी 347 पर ये ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया लोकेश, आपने सभी स्टॉक्स पर अपने रिकमेंडेशन शेयर किए हमारे साथ।